मॉर्गेज क्या है उसे हमने इस वीडियो में एकदम सिंपल मैनर में समझा। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 58 को पढ़ते समय हमने जाना कि सेक्शन 58 अपने आप में 7 क्लॉजेस में डिवाइड है। एक तरफ जहां सेक्शन 58 क्लॉज ए मॉर्गेज और उससे रिलेटेड टर्म्स को डिफाइन करता है, जैसे मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज डीड। वहीं क्लॉज बी से लेकर के क्लॉज जी तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस को डिफाइन किया गया है। इस वीडियो में हम उन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 58 क्लॉज बी टू जी उन्हें समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आप एंड तक बने रहना, आपको सारे टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस आसानी से क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 58 ये डिवाइड है 7 क्लॉजेस में, क्लॉज ए से लेकर के क्लॉज जी तक। क्लॉज ए मॉर्गेज, मॉर्गेजी, मॉर्गेजर, मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज डीड को डिफाइन करता है। वहीं क्लॉज बी से लेकर के क्लॉज जी तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस को बताया गया है। क्लियर? चलो क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 58 सिंपल मॉर्गेज को डिफाइन करता है। क्लॉज सी कंडीशनल सेल, यानी मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल को डिफाइन करता है। क्लॉज डी यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज को बताता है। क्लॉज ई इंग्लिश मॉर्गेज को डिफाइन करता है। क्लॉज एफ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स को डिफाइन करता है। और लास्ट क्लॉज, क्लॉज जी एनोमेलस मॉर्गेज को बताता है। चलिए एक एक करके इन सभी क्लॉजेस को समझते हैं। सबसे पहला है सिंपल मॉर्गेज, जो कि डिफाइन है क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 58। क्या कहता है? कह रहा है मॉर्गेजर अंडर सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेजर सिंपल मॉर्गेज में विदाउट ट्रांसफरिंग पोजेशन ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, मॉर्गेजर सिंपल मॉर्गेज में जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी मॉर्गेजी के पास रखता है उसके पोजेशन को बिना ट्रांसफर किए हुए, यानी यहां पे पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉर्गेजर टू मॉर्गेज। क्लियर? तो कह रहा है बिना पोजेशन मॉर्गेज प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किए हुए बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे मॉर्गेज मनी, अपने आप को बाइंड करता है, यानी ये एश्योरेंस देता है मॉर्गेजी को कि मैं लोन अमाउंट का पेमेंट करूंगा। और कह रहा है एंड प्रोवाइड्स हिज कंसेंट, और अपना कंसेंट देता है एक्सप्रेसली यानी इन राइटिंग, और इम्प्लाइडली मतलब इन वर्ड्स और बाय एक्ट। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, यानी मॉर्गेजी को कंसेंट देता है अपना रिटन में या ओरल में कि अगर कल को मैं लोन का रीपेमेंट करने में
फेल हो जाता हूं तो मॉर्गेजी के पास राइट होगा टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करके अपने अमाउंट को रिकवर कर सकता है। यही होता है सिंपल मॉर्गेज। यानी सिंपल मॉर्गेज में जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन मॉर्गेजर एश्योरेंस देता है, श्योरिटी देता है मॉर्गेजी को कि अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाता हूं इस पर्टिकुलर डेट पे तो तुम इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल कर देना और अपने अमाउंट को रिकवर कर लेना। ठीक है जी, तो ये है सिंपल मॉर्गेज। देखो यहां पे नोट्स साथ साथ में लिखवाया जा रहा है आपको मेरे द्वारा, तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। चलिए अब दूसरा है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, जो कि डिफाइन है क्लॉज सी सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखो यहां कह रहा है अंडर इट मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स हिज मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑन थ्री कंडीशंस, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। सेक्शन 41 को पढ़ते समय हमने जाना कि ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है, और हमने जाना कि ऑस्टेंसिबल ओनर रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो अगर आप सेक्शन 41 ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर को पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, देखो ऑस्टेंसिबली सेल यानी यहां पे कह रहा है कि जो मॉर्गेजर है वो ऑस्टेंसिबली सेल करता है अपने मॉर्गेज प्रॉपर्टी को तीन कंडीशंस पे। यानी आप ये कह सकते हो कि ट्रांसफर मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में जो मॉर्गेजर होता है वो मॉर्गेजी को कहता है कि ये जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है ये मैं आपको सेल कर दूंगा, यानी दिस प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू यू अगर तीन कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो। अब क्योंकि इसका नाम ही है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यानी जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है जिसे मैंने एज ए सिक्योरिटी आपके पास रखा है बिकॉज आई हैव टेकन एडवांस फ्रॉम यू, ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी मैं आपको सेल कर दूंगा अगर तीन कंडीशंस फुलफिल होते हैं। देखो इसमें कह रहा है ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी ऑन सर्टेन डेट सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। तो यहां कह रहा है मॉर्गेज, यहां कह रहा है कि अगर इस सर्टेन डेट पे मैं मॉर्गेज मनी को पेमेंट करने में फेल हो जाऊंगा तो ये जो सेल है जो ऑस्टेंसिबल सेल है ये कन्वर्ट हो जाएगा एब्सोल्यूट सेल में या कंप्लीट सेल। क्लियर। दूसरा कंडीशन है इन केस ऑफ पेमेंट मेड बाय मॉर्गेजर बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू सेलर। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि ये जो ऑस्टेंसिबल सेल है ये वॉइड हो जाएगा, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, डिक्लेयर जीरो हो जाएगा अगर मैंने इन केस पेमेंट मेड बाय मॉर्गेजर, यदि मॉर्गेजर टाइमली पेमेंट कर देता है तो जो बायर है, क्योंकि हम यहां सेल पढ़ रहे हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, तो यहां पे मॉर्गेजी को बायर कहा गया। तो कह रहा है जो मॉर्गेजी है यानी जो बायर है अगर मैं पेमेंट टाइमली कर देता हूं तो जो प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफर होना था इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, अब क्योंकि मैंने
पेमेंट कर दिया है तो वो पर्सन यानी जो बायर है वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा किसके पास, मॉर्गेजर के पास। ठीक है, ऑलराइट। तीसरा क्या है, इफ पेमेंट मेड बाय मॉर्गेजर सेल शैल बी वॉइड। अब तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि अगर मॉर्गेजर पेमेंट कर देता है टाइमली तो ये जो सेल है, जो कंडीशनल सेल है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में तीन कंडीशंस इंपोज किया जाता है मॉर्गेजर के द्वारा, और वो कहता है कि अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो ही ये जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो सेल किया जाएगा मॉर्गेजी को। ठीक, तीसरा काम यूसू फ्रुक्चुअली मॉर्गेज। देखो यहां क्या होता है, यूसू फ्रुक्चुअली मॉर्गेज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 58 क्लॉज डी में। ये कह रहा है मॉर्गेजर डिलीवर्स द पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। यूसू फ्रुक्चुअली मॉर्गेज के कंडीशन में जो मॉर्गेजर है वो प्रॉपर्टी का पोजेशन डिलीवर करता है किसको, मॉर्गेजी को। या कह रहे हैं एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली डिलीवर द पोजेशन एंड ऑथराइजेस हिम टू रिटेन सच पोजेशन अंटिल द पेमेंट। ठीक है, यानी यूसू फ्रुक्चुअली मॉर्गेज में क्या होता है, जो मॉर्गेजर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर करता है मॉर्गेजी के पास एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली, और उसे अधिकार देता है कि वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास तब तक रखेगा जब तक मॉर्गेजर पेमेंट नहीं कर देता है। ठीक है, आगे कह रहा है मॉर्गेजी इज लाइबल टू रिसीव ऑल बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को ट्रांसफर किया है और उसे ऑथराइज किया है कि आप इस प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास तब तक रखना जब तक मैं पेमेंट नहीं कर देता, तो यहां पे क्या होता है, जो मॉर्गेजी है उसके पास राइट्स आ जाते हैं कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से अराइज होने वाले सभी बेनिफिट्स को अपने पास रखेगा। ठीक है, आगे कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट मॉर्गेजी रिसीव्स द बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट जो मॉर्गेजी है वो जिस बेनिफिट को ले रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी से वो एज ए इंटरेस्ट ले रहा हो। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं इन केस ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूज द अमाउंट मोर देन इंटरेस्ट मनी प्रिंसिपल अमाउंट विल स्टार्ट डिडक्टिंग देन। अब कह रहा है कि मान लो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा है उसका जो वैल्यू है वो इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा है, यानी इस सिचुएशन में मॉर्गेजी इज गोइंग इनटू व्हाट, वो तो उसे तो फायदा हो रहा है क्योंकि जो इंटरेस्ट अमाउंट उसे रिसीव करना था उससे ज्यादा उसे बेनिफिट हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट मॉर्गेजर ये कह सकता है कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट या जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो वो प्रिंसिपल अमाउंट माना जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट होगा वहां से। ऑलराइट, तो ये हो सकता है। आगे कह रहा है कि मॉर्गेजी कैनॉट सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ही कैन ओनली टेक बेनिफिट वंस बेनिफिट टेकन कंप्लीटेड प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू मॉर्गेजर। अब देखो सिंपल मॉर्गेज में
जहां मॉर्गेजी को ये अधिकार था कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। लेकिन यूसू फ्रुक्चुअरी मॉर्गेज में ऐसा नहीं है, मॉर्गेजी के पास राइट नहीं होता है कि वो इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट प्रॉपर्टी को सेल कर दे। वो केवल प्रॉपर्टी से अराइज होने वाले बेनिफिट्स को तब तक लेगा जब तक वो कंप्लीट बेनिफिट यानी जब तक वो अपने अमाउंट को रिकवर नहीं कर लेता। अगर वो अपने सारे अमाउंट को रिकवर कर लेता है प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स के तहत, तो प्रॉपर्टी विल देन रिवर्ट बैक टू द मॉर्गेजर, मॉर्गेजर के पास आ जाएगा। तो अब तक हमने तीन टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस के बारे में बात किया, सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल और यूसू फ्रुक्चुअरी मॉर्गेज। अब हम बचे हुए मॉर्गेजेस के बारे में बात करें। अब हम बचे हुए तीन टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस के बारे में बात करेंगे, जैसे इंग्लिश मॉर्गेज जो कि क्लॉज ई में डिफाइंड है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एज डिफाइंड इन क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 58, और लास्ट एनोमलस मॉर्गेज जो कि क्लॉज जी में डिफाइंड है। आइए समझते हैं। इंग्लिश मॉर्गेज में जो मॉर्गेजर है वो अपने आप को बाइंड करता है, यानी ही प्रोवाइड्स एश्योरेंस टू रीपे मॉर्गेज मनी, कि वो मॉर्गेज मनी का पेमेंट एक सर्टेन डेट पे कर देगा। यानी इंग्लिश मॉर्गेज में जो मॉर्गेजर है वो ये एश्योरेंस देता है कि इस पर्टिकुलर डेट पे मॉर्गेज मनी का पेमेंट हो जाएगा। आगे और कहता है, एंड ट्रांसफर्स मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्यूटली टू मॉर्गेजी, और वो क्या करता है, और वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूटली ट्रांसफर करता है मॉर्गेजी को। एब्सोल्यूटली मतलब मॉर्गेजी के पास राइट होता है कि वो उस प्रॉपर्टी से अराइज होने वाले सभी बेनिफिट्स को ले सकता है, बट वो सेल नहीं कर सकता है। राइट, आगे कह रहा है, सब्जेक्ट टू अ प्रोविजो दैट मॉर्गेजी विल री ट्रांसफर इट, मॉर्गेजी क्या करेगा, उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रीट्रांसफर करेगा मॉर्गेजर को, यदि मॉर्गेजर ने उस स्पेसिफाइड सर्टेन डेट पर लोन अमाउंट का रीपेमेंट कर दिया। यानी सिंपल, इंग्लिश मॉर्गेज में जो फोकस एरिया होता है वो पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम एज मेंशन्ड बाय मॉर्गेजर, कि वो इस पर्टिकुलर डेट पर लोन अमाउंट का पेमेंट कर देगा। तब तक आप इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखो, इससे अराइज होने वाले सभी बेनिफिट्स को आप अपने पास रखो। लेकिन अगर उस स्पेसिफाइड डेट पर मैं लोन अमाउंट का पेमेंट कर देता हूं तो यू विल हैव टू रीट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी टू मी। क्लियर है? आइए, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में क्या होता है? यहां पे जो मॉर्गेजर है वो प्रॉपर्टी के इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स को डिपॉजिट करता है मॉर्गेजी के पास अगेंस्ट लोन अमाउंट एज सिक्योरिटी टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट। तो सिंपल, नाम से क्लियर है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, यानी मॉर्गेजर इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स को
मॉर्गेजी के पास एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देता है और कहता है ये टाइटल डीड्स आपके पास तब तक रहेंगे जब तक मैं लोन अमाउंट का पेमेंट नहीं कर देता। और कहता है ऑन पेमेंट ऑफ लोन, जैसे ही मैं लोन का पेमेंट करूंगा ये जो टाइटल डीड्स हैं विल रिवर्ट बैक टू मॉर्गेजर, मॉर्गेजर के पास वापस से आ जाएंगे। लेकिन आगे कहता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, यानी अगर मॉर्गेजर पेमेंट नहीं कर पाता है तो ऐसे सिचुएशन में जो मॉर्गेजी है कैन मूव टू कोर्ट, वो कोर्ट जा सकता है, डिमांड कर सकता है कि इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल किया जाए और जितना भी पैसा आ रहा है उसमें से उसके अमाउंट को उसे दे दिया जाए। दिस इज कॉल्ड मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ये एप्लीकेबल है कलकत्ता, बंबई और मद्रास के टाउन एरियाज में, राइट। चलिए, और अगर कोई अदर स्टेट गवर्नमेंट मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स को एप्लीकेबल करना चाहता है तो वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश करेगा, ठीक है। लास्ट है हमारा एनोमलस मॉर्गेज, जो कि डिफाइंड है क्लॉज जी सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखो कह रहे हैं वो सभी मॉर्गेजेस विच इज नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द टाइप्स एज डिफाइंड फ्रॉम क्लॉज बी टू जी। देखो क्लॉज बी से लेकर के क्लॉज जी तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस को पढ़ा, वो सभी मॉर्गेजेस क्या हैं? एक्सेप्ट ऑल दीज मॉर्गेजेस। तो देखो जो इन क्लॉजेस में डिफाइन नहीं है वही क्या है? एनोमलस मॉर्गेज है, यानी वो सभी टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस जो डिफाइन है क्लॉज बी से लेकर के क्लॉज जी तक। अगर हम बात करें तो जो इन दोनों ही क्लॉजेस में, मतलब फ्रॉम क्लॉज बी टू जी जो नहीं आते हैं उसे हम कहते हैं एनोमलस मॉर्गेज। क्लियर है? यानी आप कह सकते हो कि वो मॉर्गेज विच इज नॉट सिंपल मॉर्गेज, विच इज नॉट मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ रुक्तरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, वो क्या है? एनोमलस मॉर्गेज है। एनोमलस मॉर्गेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉर्गेजेस, दो मॉर्गेजेस का कॉम्बिनेशन है, यानी जब भी आएगा ये कंबाइंड फॉर्म में आएगा, स्पेसिफिकली ये नहीं आएगा। तो एनोमलस मॉर्गेज में बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस, या तो सिंपल मॉर्गेज प्लस यूसुफ रुक्तरी मॉर्गेज, या यूसुफ रुक्तरी प्लस कंडीशनल मॉर्गेज। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में आएगा, स्पेसिफिकली नहीं आएगा। तो वो सभी मॉर्गेजेस जो फ्रॉम क्लॉज बी से लेकर के क्लॉज जी में नहीं आते हैं उसे हम कहते हैं एनोमलस मॉर्गेज। क्लियर? ये था मॉर्गेज और उसके डिफरेंट टाइप्स एज डिफाइंड अंडर क्लॉज बी टू जी ऑफ सेक्शन 58। आई होप कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें।